वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे क्लास में। आज हम मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास होने वाली, जिसमें नंबर सिस्टम का उत्थान पाठ होने वाला, जिसमें आपको कल वाली क्लास में कुछ ऑड और इवन संख्याओं पर बात की गई थी। उन्हें इस संख्याओं को आगे कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको लास्ट मतलब डिजिट इकाई यूनिट यूनिट किस प्रकार से निकाला जाता है, इकाई अंक किस प्रकार से निकाली जाती है, किसी भी प्रकार की संख्या हो आपको विस्तारित रूप से संख्या दे दी जाती है, उन बड़ी संख्याओं के रूप में आप उसका आप लास्ट डिजिट अंक किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उनके बारे में कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी। हाँ, जितने भी आपके मैं दो क्लास ली है नंबर सिस्टम की, उस नंबर सिस्टम के जो भी क्लास है उनको क्लियर कीजिए और हर चीज को आप कॉन्सेप्ट की सहायता से समझिए। जो भी आपके क्लास हुई है उसी कड़ी के अनुसार आप सोल्व कीजिए और हर कोई भी त्रुटिपूर्ण दोष पाए जाते हैं तो मेरे अकाउंट के अनुसार आप जो भी त्रुटिपूर्ण दोष पाए जाती है वहाँ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम में इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी भी प्रकार के इकाई का अंक आप किसी भी स्थिति में निकाल सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि हम किसी भी संख्या में, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक से लेकर 9 तक ये अंक है, ये कितने प्रकार के अंक आते हैं, उसमें किसी प्रकार से अंक आते हैं जो आपको अंक के रूप में मैंने बताया था कि 0 से 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार के अंक डिजिट थे। जो अंकों के संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ किस प्रकार से खेला जा सकता है, मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी के रूप में बताया था कि संख्याओं के यही यदि हम इन संख्याओं के जानकार है, अच्छी तरह से जानकार है, तो हम इन संख्या का मूल रूप से उपयोग कर सकते हैं और यही अंक है जो हमारे संख्या नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इन संख्याओं के रूप में यह पूछा जाता है कि जो भी आपके पास मतलब 98 या कितनी भी संख्या हो, 1000 हो, कितनी भी संख्या हो, इसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि आप इसमें 9 का प्रयोग कितनी बार किया, मतलब 9 का प्रयोग कितनी बार हो गया, 9 का प्रयोग किस प्रकार से कितनी बार होता है, या उस संख्या के कितनी बार लास्ट के अंकों में आपको योगफल के रूप में पूछ लिया जाता है कि उन अंकों का योग आप या उन अंकों में आप किसने, मतलब आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं समझू कि कोई संख्या है आपके पास कोई संख्या है कि 1 से 39 तक 1 से 39 तक के अंकों में गिनती लिखने के लिए कितनी बार अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको यह भी पता है कि अंकों का प्रयोग कितने प्रकार, जो अंकों का प्रयोग होगा उसी के अनुसार तो संख्या का वितरण किया जाएगा। तो एक बार यहां से लेकर 1 से 10 तक, जहां 9 अंक कितने अंक, मतलब कहने की बात है जो भी डबल अंक ना आए। अब यहां 10 और यहाँ 10 है, इसमें डबल है, इकाई दाई दाई का सैकड़ा है, यहाँ इकाई अंक है, ठीक है, यहाँ दाई है, दाई आने का मतलब ये हो गया कि ये दो बार संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो को हमारे को गिनना नहीं है। तो इकाई अंक जितने भी आपके पास इकाई अंक आए 1 से लेकर 9 तक, जितना भी आपके पास अंक आए वह 1 से 39 तक, 1 से 9 तक कितनी बार संख्या आई वो आपको डिवाइड करना है। तो 1 से 39 तक आपके पास आई 9 बार, भाई 1 से 10 तक है, 1 से 9 तक 9 बार आ गई 1 से 10 तक, ठीक है। अब इसी प्रकार आपके शेष कितनी बची कि 10 से लेकर 99 डिजिट कितनी बची, 10 से लेकर 99 तक। तो मैं आपको बताऊं एक से नौ बार, मतलब 1 से 9 तक, एक अंक की है फर्स्ट डिजिट की है, आपको आपको पूछा जाता है 10 से 99 तक, यहाँ डबल अंक है, डबल डिजिट है, डबल डिजिट होने के बताया है कि डबल डिजिट होने चाहिए, भाई ढाई की संख्या में होने चाहिए, वह संख्या किस प्रकार में होनी चाहिए, ढाई की संख्या में होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आपको मैं बताऊँ कि यहाँ 1 से 39 तक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 39 तक आपके पास कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो आपको सर्वप्रथम मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक
ये 10 डिजिट का प्रयोग हो, 9 का प्रयोग हो। अब यहाँ संख्या बची 10 से लेकर 39 तक, 10 से लेकर 39 तक बची वह संख्या जिसमें डबल डिजिट आया, डबल डिजिट आ रहा ना। यहाँ सिंगल डिजिट था, यहाँ कौन सा था, सिंगल डिजिट था, और यहाँ डबल डिजिट था। अब डबल डिजिट होने के थे, और डबल डिजिट में होने से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी आप यहाँ बच्ची कितनी संख्या बच गई, या 30 संख्या, मतलब 9 तक का अपना काम हो गया, 39 में से 9 तक का अपना काम हो गया, तो संख्या लास्ट में कितने बची, 30 बची। अब उस 30 संख्या को जहां जितनी डबल संख्या हो, डबल संख्या हो, उस डबल डिजिट को होने के तहत आप 30 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 60 आता है, आंसर 60 आता है। उस 60 में आप यहाँ तो जो डबल डिजिट थी वही वही 60 डिजिट अंक है, लेकिन जहां 1 से लेकर 9 तक वो लिखा था वो संख्या नहीं है, वो संख्या उसके अंतर्गत जोड़ने पर आपके पास 100, मतलब 100 गुणा नहीं, आपके पास 69 डिजिट आए। तो यही रूप आपके पास आ जाता है कि अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार बताऊं कि आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 75 तक के अंकों में कितनी बार, इस संख्या में कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया है। आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया है। तो कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 से लेकर 9 तक 9 बार, ठीक है। अब 64 में से, अब 65 है, 75 बचे, अब 75 में से 9 घटाओ, 75 में से 9 क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, इसलिए हमारे को सिंगल डिजिट से अलग करना है, और डबल डिजिट है, उस डबल डिजिट को हमें अलग करना है, ठीक है। डबल डिजिट को अलग करते हैं तो 75 में से हम 9 घटाते हैं, 75 में से हम 9 घटाते हैं, तो आपके पास लगभग आंसर आ जाता है 66, 66 आ जाता है। अब यह 66 कौन सी संख्या है, यह 66 वह संख्या है जहां डबल डिजिट काम कर रहे हैं, जहां डबल डिजिट काम कर रहे हैं, तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करते हैं तो 6 यहाँ इसका मल्टीप्लाई आ जाता है 66, 120, 132, 132 यहाँ इसका डबल डिजिट में आ रहा है, ठीक है। अब डबल डिजिट में आ रहा है तो हमारे तो 1 से 75 तक की काउंट संख्या काउंटिंग करनी है ना, तो यहाँ तो आपके पास 9 ये हो गई और 66 ये आ गई, इस 66 से जो आपके 132 आंसर आए उस प्लस में आपको ये 9 करना है, 9 करते हो तो आपके पास 141 लास्ट वह संख्या आ गई जो 1 से लेकर 75 कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 से 141 अंकों का प्रयोग किया गया है, ये लास्ट डिजिट वाली संख्या आती है भाई, इसमें कितने अंकों तक का प्रयोग किया गया और इसमें कितने अंकों तक का प्रयोग नहीं किया। अब आपके पास मैं बताऊं कि 1 से 99 तक, भाई ये काम क्लियर होने आता है कि 1 से कितना, 1 से 99 तक के 7 अंकों का प्रयोग हुआ, कि संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, अंकों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ 1 से 99 वही प्रोसेस करना है हमारे को, 1 से 99 तक 9 9 आ गए, यहाँ 9 डिजिट आ गए। अब आपके पास यहाँ देखना है कि 99 में से आप 9 घटाए तो 90 आ जाता है, 90 को × 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट आने वाली है, डबल डिजिट होने के तहत, डबल इकाई का संख्या होने के तहत यहाँ 189 आ जाती है, 189 सॉरी 180 भाई, 90 × 2 ये मल्टीप्लाई जाता है, 180 आ जाता है। अब 180 तो आपके पास 10 से लेकर 99 तक है ना, 10 से लेकर 99 तक संख्या हमारे को चाहिए 1 से 99 तक, तो 1 से 99 से जो 1 से लेकर 9 तक बची थी वो 9 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 189 आपके पास वह संख्या प्राप्त हुई जो 1 से लेकर 99 तक अंकों का इतनी बार प्रयोग हुआ है। यह है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब आपका कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी संख्या हो उनका लास्ट डिजिट अंक किस प्रकार से निकाला जाता है, और कितनी भी बड़ी संख्या हो उनका किस प्रकार से निकाला जाता है। अब यहाँ एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने आपको बता दिया है भाई 1 से लेकर 99 तक कितना होता है। अब यदि आपके पास 1 से लेकर 1000 तक पूछ ली जाती है कि 1000 तक संख्या है, इसमें किस प्रकार से लास्ट मतलब कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है वो आपको मैं बताऊं 1 से 99 तक, आप उस पहले बताया कि 1 से 99 तक कितने प्रयोग हुआ, कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 189। अब मुझे यह बताओ कि यहां 1 से लेकर 2 2 अंकों का काम हुआ है, मतलब डबल अंकों
प्रयोग हुआ है, यहाँ तो संख्या 4 गुना में है, 4 गुना में, तो क्या यहाँ कितनी संख्या बच गई? या आपके पास संख्या बची है, या आपके पास संख्या बची है 999 माइनस 99, यहाँ कटाओ, ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। इस 3 अंकों की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 अंकों का प्रयोग किया गया, तो यहाँ आपके पास 900 आ जाए, और 900 के अंतर्गत आप, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो एक दोष ये आ जाए कि आपके पास 2700। अब 2700 के अंतर्गत भाई ये 2700 आ गई, अब 2700 आ गई, ये कहाँ से कहाँ तक आई, ये आपके पास 999 तक आई, मतलब 999 से 999 तक की संख्या आई, और यहाँ थी 1 से 9 तक, 1 से 99 तक, ठीक है, तो 999 जो भी 189 संख्या यहाँ थी, 189 संख्या वो आपके पास ऐड कर दी जाती है, तो 2789 यह संख्या आ जाती है, 1 से 1000 तक कितने की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, वह आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके पास 2889 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलता है, इकाई अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इकाई अंक यदि किसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस बड़ी संख्या का हमें सबसे लास्ट डिजिट वाला संख्या बताया जाता है कि इसका लास्ट का इकाई अंक किस प्रकार से डिक्लेयर्ड किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है, तो इसमें आपको इकाई का अंक पूछ लिया जाता है कि इकाई, इसमें इकाई का अंक कितना है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें इकाई का अंक कितना है या नहीं। सीधा फंडा, कोई सी भी संख्या हो, उस कौन सी भी कोई सी भी संख्या हो, एनीवन एवरीवन एवरीथिंग, कोई सी भी संख्या हो, उस प्रत्येक पूरी संख्या के अंतर्गत आप 4 का भाग दे दीजिए, जहां भी आप 4 का भाग दोगे उसमें 4 का भाग देने से आपको यह संख्या प्राप्त होगी कि उसमें लास्ट के डिजिट अंक में किस प्रकार से जो भी शेषफल या रिमाइंडर बचता है उन्हीं के अनुसार आंसर दे दिया जाता है। यहाँ देखो 33, ये 8 32 आया, 32 है ना, अब यहाँ बचा 1 4 16 15 12, यहाँ 3 गया 12 आ गया, जो 2 शेषफल बचे, 2 यहाँ इकाई का यह डिजिट है अंक बच, और एक दूसरा अन्य रूप जहां आप कहीं भी 1056 1056 में कोई भी संख्या हो तो किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई अंक समान रहेगा। अब किस प्रकार से इकाई के अंक समान रहेगी मैं आपको बताऊं, यह संख्या गिनना, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, मतलब इकाई अंक 1 0 5 और 6, 1 0 1 0 5 और 6 ये में से कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो तो वह, कोई भी संख्या हो तो किसी भी प्राकृतिक संख्या की घात के लिए इकाई अंक समान होगा। अब वो कैसे होगा कि आपके पास कोई 2 है, उसका इकाई अंक पूछ लिया जाता है तो आपके पास 2 ही आता है। अब यदि आपके पास 4 है तो इसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा ना, 4 ही रहेगा। इसी प्रकार आपके पास यदि 2 की पावर 3 8 है तो इसका इकाई का अंक कितना रहा, 8 ही रहा। इसी प्रकार आपको मैं पूछूं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तो यहाँ कितना रहा, 32। जो भी आपके पास जो संख्या रही वो इकाई का अंक 2 रहा, जो भी आपके पास संख्या रही वो इकाई का अंक 2 रहा। अब मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या आ जाती है, यदि आपके पास ऐसी संख्या आ जाती है कि 212 है, कि 212 घात इसकी भार यानी पावर में कितनी है, 212 118 यानी 212 है, 212 है और इसकी पावर में 118 है, तो यहां आपको इकाई का अंक पूछ लिया जाता है, तो एक स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट है, आप जो भी आपकी घातांक में वाली संख्या आती है उस घातांक वाली संख्या में आप 4 से डिवाइड कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए, आपको 4 से डिवाइड करने पर जो भी आपको 4 से डिवाइड करोगे तो
जब भी आप चार से डिवाइड करोगे तो आप एक बार चार से डिवाइड करना, और यहाँ आपके पास चार थी 12 यानी 8, 118 डिवाइड चार से करते हैं, देखो या आप सरल रूप से मैं आपको बताऊं तो 2 8 3 38 ठीक है, या 9 36, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर यानी शेष बचता है, जो भी आपके पास शेष बचता है वही इकाई का अंक माना जाता है, वही इकाई का अंक माना जाता है। तो इसका इकाई का अंक किस प्रकार से हुआ ये, और आपके पास देखो यहाँ आप 212 और यहाँ आपके पास रिमाइंडर में कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा। आप ज्यादा संख्या को न लेकर, आप किसी संख्या को ज्यादा न लेकर जो भी आपके पास इकाई अंक है उस इकाई संख्या का, उस इकाई संख्या से यह कितनी बार है उसका वर्ग कर देते हैं तो 4 इकाई का अंक आ जाता है। इसी प्रकार आपके पास एक क्वेश्चन और देता हूं कि 112 मतलब 112 है, ये जो 4 की डिवाइड करने की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। 112 है, कोई इकाई का अंक है 112, एक सौ बारह और 195 पावर 95 है। अब 195 आप 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 का डिवाइड करते हैं 4 3 100, 4 4 16 16, तो 3 शेष बचता है और 3 5 36, 36 है जो बड़ा है, 4 का डिवाइड करते हैं तो इसमें 32 आ जाता है, 8 बार 32 आता है, और यहाँ शेष पर आपके पास 3 रिमाइंडर बच जाता है। जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी लास्ट का डिजिट अंक होता है, लास्ट लास्ट का अंक आता है, उस लास्ट के अंक का जितने भी आपके पास रिमाइंडर बचता है उसका वर्गमूल, या जितनी भी संख्या आती है वर्ग आती है घनमूल आती है, कितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप संख्या को डिवाइड प्रेशन करोगे तो इसका 2 की पावर 2 की पावर क्यूब आता है, तो इसका लास्ट अंक डिजिट यानी जो आपको इकाई यूनिट मानी जाती है वह 8 आ जाती है। अब इसी प्रकार आपके पास कोई 3 के अंक की पूछ लिया जाता है कि 3 के लास्ट के 3 अंक आ जाते हैं, कोई संख्या है तो वह संख्या किस प्रकार से चेंज होगी। यदि आपके पास 113 संख्या है, 113 और उसकी पावर में 26 और उसकी पावर में 36 है, तो आप इस संख्या को किस प्रकार से लास्ट के डिजिट अंक को निकालेंगे। तो 26 है, 26 का डिवाइड से 4 दीजिए, 4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 शेषफल बच जाते हैं, और 2 शेषफल बच जाते हैं, 2 शेषफल बचते हैं तो जो भी आपका लास्ट का डिजिट अंक है उसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 9 9 इकाई का अंक बच जाता है। इसी प्रकार आपके पास 297 है, 297 है और उसके पावर में 219 है, मतलब आपके पास कोई संख्या दे रखी है कि 219 और 297, यह संख्या, इस संख्या में आपको लास्ट का डिजिट अंक निकालना है। लास्ट का डिजिट अंक निकालोगे तो आप 4 का डिवाइड करोगे, आप 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन आता है 7 चौका 28, 7 चौका 28, यहाँ 1 और 7 जो 16, 1 रिमाइंडर बच जाता है, जो 1 का पावर 9 1 होता है, इसका 9 का पावर 9 ही रहेगा। चाहे कितनी भी संख्या हो आप उस संख्या से किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप संख्या का निकालो, वहां आपको जो 1 का वर्गमूल दे रखा है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब यदि आपके पास कोई संख्या और दे दे, एक सौ तैयारीस, 143 पावर 116, इसमें आपको लास्ट अंक डिजिट अंक निकालना है, तो आप क्या करोगे 4 का भाग लोगे, 4 का भाग देने डिवाइड करने पर आपके पास 4 8 3 शेषफल बचता है, और यहाँ 36 9, कोई शेषफल बच रहा है, कोई भी शेषफल आपके पास बच रहा है या कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। आप शेषफल नहीं बचने के कारण आप क्या कर सकते हो, जहां भी आपको शेषफल नहीं मिल रहा हो, ये स्पेशल पॉइंट है, जहां पे आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा हो तो आप उस स्थिति में आपको लास्ट डिजिट अंक किस प्रकार से निकालोगे, तो वहां आपको एक्स मान, मतलब जहां भी आपके पास
शेष बल नहीं बचता है, चार से डिवाइड करने पर आपके पास शेष बल नहीं बचता है, तो आप शेष बल नहीं होने के कारण आप उस संख्या को एक मानकर, जो भी आपके पास यह लास्ट का डिजिट अंक आता है उसमें एक मानकर उसकी पावर यानी पावर में लगा के उसका वर्क कर देना। वर्क करने पर आपके पास 3 का पावर 1 करते हो तो आप 3 ही आता है। 3 का पावर कितने करो उसमें, अगर घात 1 है पावर 1 है तो उसका कितने भी रोल करो वहां 1 ही आने वाला है। अब इसी प्रकार आपके पास संख्या को डिजिट आगे करते हुए, यदि आपके पास 7 के लिए कोई संख्या है, आपके पास 7 के डिजिट अंक निकालना चाहते हो तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो कि यह एक प्रोसेस है भाई, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 इस प्रकार की ये क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपके पास एक संख्या हो, यदि लास्ट अंक हो, वह अपने संख्या का कितने रूप में पुनरावृत्ति करता है, कितने संख्याओं के अंतर्गत वह पुनरावृत्ति करता है। इसी प्रकार लास्ट के 2 अंक में 2 आता है, किसी प्रकार की लास्ट इकाई अंक में 2 है तो वह उतने अंकों में किसने कितनी प्रकार की पुनरावृत्ति करता है। तो मैं आपको इसी प्रकार उदाहरण के तौर पे बताऊं कि 9 यानी 9 का उदाहरण लेकर बताऊं कि 9 का अंक है वो अपने यूनिट डिजिट को किस प्रकार से ज्ञात करवा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, आप यदि नौ की पावर 1 नौ की पावर 2 नौ की पावर 3 नौ की पावर 4, यहां आपके पास 9 81, देखो चेंज हो रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, 729 729 और नौ की पावर 8 के 4 है। यहां आप देखो 1 2 फिर से 1, वही लास्ट डिजिट अंक चेंज हो रहा है, कितनी संख्या पर, 2 अंकों पर संख्या पर चेंज हो रहा है कि 9 की पावर आप 4 लाते हो तो वहां पे आपके पास 81 के तहत पे लगभग जाएगा, 81 से और भी एनिमल लगभग किसके संख्या के तहत जाएगा। उसी प्रकार 9 की पावर 3 में देखो, यहाँ डिजिट अंक 9 आ गया, उसी प्रकार यहाँ 9 की पावर 2 में देखो यहाँ 1 आ गया। इसी प्रकार आपके पास 7 का दे दिया जाता है, यदि कोई इसी प्रकार आपके 7 हो, इकाई अंक 7 हो, तो आप उसमें किस प्रकार से लास्ट के डिजिट अंक निकाल सकते हो। तो आपके पास 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, तो 7 49 700, मतलब यहाँ कितने आने चाहिए, 343 आने चाहिए ना, 7 का क्यों, 343 और यहाँ 7 का पावर 4, 7 की पावर 4 यानी 7 2 24 2401, यहाँ 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 जहाँ 16,807। यहाँ आपको देखो कहाँ दोबारे लास्ट अंक डिजिट अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उस संख्या में आपके पास पुनरावृत्ति हो रही है जहां लगातार 4 संख्या होने के बाद 5वें नंबर की सीरीज आती है, तो उसमें उस अंक की फिर से दोबारा पुनरावृत्ति होती है, मतलब 7 है 9 है 3 है 1 है और 7। लास्ट के 5 अंकों के तहत आप निकाल लेते हो वर्ग या क्यूब करने के बाद जो भी आपके पास जो संख्या बचती है वह फिर से पुनरावृत्ति हो जाती है। अब इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कराता हूं, यहां कुछ कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए, ठीक है वो कॉन्सेप्ट है। जो भी क्वेश्चन या जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रूप से निकालिए, और जहां तक मेरा कहने का मतलब है, वहां आप यदि किसी एक बुक को, यदि आप किसी एक बुक को डिक्लेयर के साथ जहां कॉन्सेप्ट ही चलता रहता है और क्लास क्वेश्चन सीरीज भी चलती है तो लगातार होने से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा और हर प्रकार से क्वेश्चन को आप डिलीवर करते रहिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन है या कमी होती है उसको आप क्लियर रूप से पूर्ण रूप से तैयार कीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि भाज्यता का नियम किसे कहते हैं, जो भी आपके पास भाज्यता का नियम आता है, डिसिबिलिटी रूल्स, यह डिसिबिलिटी रूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए, कारण क्या, आवश्यकता थी इनको देने के लिए, आवश्यकता भी क्या थी या क्या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जो भी डिसेबिलिटी रूल
जो भी आपकी डिसेबिलिटी का रूल है वो बाध्यता के नियम किस प्रकार से डिलीवर किए जाते हैं, वो आपके बाध्यता को नियम देते हैं। अब उनके देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वह रूल क्यों दिया जाए, तो मैंने बताऊं कि आपके पास कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट अनंत से किसी भी प्रकार से अनंत से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जो भी आपके पास डिजिट दे दी जाती है, डिजिट्स दे दी जाती है, उस डिजिट्स को आपको यह पूछ लिया जाता है कि वह संख्या कितने से विभाजित होगी, कितने से विभाजित हो सकती है या नहीं। अब क्यों, अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में यह चर्चा पड़ती है कि यह क्यों पूछे कि यह डिसेबिलिटी है या नहीं। आपको जहां आपको संख्या दे दी जाती है कि आप उस संख्या को इस प्रकार से क्या विभाजित कर सकते हो या नहीं, तो आपको यदि रूल नियम याद होगा, यदि आपको रूल नियम याद होगा कि उस लास्ट वाली डिजिट में या उस संख्या के अंत में लास्ट डिजिट में योग करने पर क्या आता है, गुणनफल करने पर मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन में आने पर क्या आता है, या उसके 0 या 5 लास्ट अंक डिजिट अंक आ गए तो उसमें क्या करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले यही करना है जो वही करना है, जहां भी आपको लास्ट या डिजिट अंक देखे वहां पर सबसे पहले आपको फोकस रखना है, फोकस रखना है कि उसका लास्ट डिजिट अंक आ रहा तो उस संख्या को आप किस प्रकार से डिलीवर कर सकते हो या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जहां तक भी आपके जैसे आपको यह पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या है 46, 48, 46, 84, 32, इससे आपको यह पूछ लिया जाता है कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, क्या यह संख्या 2 से विभाज्यता का नियम यानी भाज्यता का नियम को फॉलो करता है, तो आप यह पूछोगे कि भाजक भाज्यता का नियम लागू होता है, तो आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या देखा, आप देखोगे कि यार इसमें कौन सी संख्या का भाग दे कि वह संख्या इससे पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, तो आप सबसे पहले इसके जहां आपको फोकस पड़ता है कि आप उसके लास्ट डिजिट पर ध्यान दोगे, आप उसकी इतनी बड़ी संख्या पर ध्यान न देकर आप लास्ट डिजिट पर ध्यान दोगे तो वह संख्या आपको सम दिखाई देगी, जहां भी आपको सम या विभाजित, अब सम संख्या और अभाज्य संख्या मैंने आपको अच्छी तरह से फर्स्ट वाली क्लास में बता चुका था कि किस प्रकार से भाजकता है और किस प्रकार से अभाज्य, जो भी आपके पीछे से वो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, वह हर एक कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई क्लास होती है। क्लास को रेगुलर लेने से आपकी जो भी कमी है जो भी कमी है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी मैं क्लास लेता हूँ या देता हूँ आपको, वो पूर्ण रूप से आप क्लास लीजिए, लगातार सीरीज लेने से आपको ही फायदा होगा कि आप किसी भी प्रकार से दुविधा को झेल नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में जितना प्रकार के आप समय दोगे उसी में आपको फायदा रहेगा। जहां भी आपको यह एक्चुअली देखा जाता है एक्चुअली कि आप किसी भी कंपटीशन के अंतर्गत उतरते हो तो उस कंपटीशन आपको मांगता क्या है, एक्यूरेसी मांगता है, वह एक्यूरेसी होती क्या है, उस एक्यूरेसी में आपको यह पूछ लिया जाता है कि जो भी आप या कोई भी मैथ सब्जेक्ट हो, फिजिक्स सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, हर कंपटीशन ही है, हर सब्जेक्ट होती है, उस सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ता है। अब यदि आप मैथ के प्रश्नों को या मैथ के क्वेश्चनों को मैथ के प्रश्नों को आप टाइम दोगे तो आपको अनेक से अनेक चीजों को मतलब सोल्व करने की अनेक से अनेक चीजें आपको मिलेंगी और उनके आंसर भी मिलेंगे कि उस पर्सन को किस प्रकार से हमारे को आंसर देना है या नहीं। तो आप मैंने बताया कि सम संख्या है, जहां भी आपको लास्ट में डिजिट अंक सम संख्या में मिले तो वह आपके आप बता दो कि वह संख्या 2 से विभाजित होने वाली, और दो एक ऐसी संख्या है जहां किसी भी संख्या में आप भाग दे दो
वो अब पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब वह कौन कौन सी संख्या है जिसमें लास्ट के अंक में पूरा पूर्ण रूप से सम संख्या कहलाती है, जो भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है? और विभाजित तो होती होती है, लेकिन वह उनका दूसरा फैक्टर ये होता है कि वह सम संख्या के रूप में कहलाई जाती है, सम संख्या के रूप में कहलाई जाती है। अब सम संख्या के रूप में कहलाने पर आपके पास दो है, चार है, क्या यह छह हो सकती है? नहीं, छह क्यों नहीं हो सकती? छह एक अपना रूल नियम बनाता है कि वह, क्योंकि जहां तीन और दो, मतलब तीन और दो, इसका रूट कौन सा आता है? छह आता है। अच्छे, क्या है, मैं आपको बताया था, को प्राइम, को प्राइम यानी सहअभाज्य, सहअभाज्य। लास्ट वाली क्लास थी पार्ट सेकंड में, वहां पूर्ण अच्छी तरह से समझा था कि सहअभाज्य कौन सी है या सहअभाज्य कौन सी है। यहाँ सहअभाज्य संख्या है जो छह एक सहगुणज होने के कारण यहाँ तीन का भी भाग दिया जाता है और दो का भी भाग दिया जाता है, इसलिए यहाँ छह को माना नहीं गया है। अब है आठ, आठ 16 है, 32, 16 8 32 और 64, और 64। इनकी भाजकता का नियम हम अच्छी तरह से देखते हैं। अब दो की भाजकता का नियम क्या कहता है? दो की भाजकता का नियम यह कहता है कि दो की भाजकता का नियम, दो की भाजकता का नियम यह कहलाता है किसी भी संख्या का इकाई अंक मतलब कोई सी भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई सी भी संख्या हो, उस इकाई की, उस संख्या का, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक सम होना चाहिए, एक ही सम होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एक ही अंक आपको मिल जाएगा ना, तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आपको ज्यादा संख्या पर नहीं जाना होगा कि आपको किसी भी प्रकार की एक संख्या मिल जाती है तो वह संख्या पूर्ण रूप से आपको विभाजित कर देगी, वह पूर्ण रूप से आपको विभाजित हो जाती है, लास्ट डिजिट अंक से विभाजित हो जाती है, तो वह दो से विभाजिता का नियम कहलाया जा सकता है। जैसे लास्ट अंक कौन से है, मैं आपको बता रहा हूं, दो को विभाजिता का नियम किस प्रकार से फॉलो करता है। दो को विभाजित का नियम करता है जीरो लास्ट अंक, यहाँ आपको लास्ट अंक का ध्यान रखना है और कोई भी बात आपको डिक्लेयर नहीं ध्यान में लाना है। जीरो, चार, छः, आठ, जो भी आपके लास्ट डिजिट अंक आते हैं वो पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाती है तो वह दो की भाजकता का नियम कहलाता है। अब आपके पास आंसर ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे दिया जाता हूँ कि 52 और 34, क्या यह दो से विभाजित है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यह लास्ट टाइम कौन सा है? चार है। अब चार है तो क्या है, क्या है वह? सम संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या है दो से विभाजिता का नियम का फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार आपके पास पूछा जाता है कि 64 62 63 क्या यह दो से विभाजिता का नियम का फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट अंक है वो सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, और आपको दो का भाग देने पर भी आपको एक रिमाइंडर बच रहा है, एक शेष बच रहा है। जो शेष बचता है वह शेष बचता है तो किसी अन्य नियम पर लागू होगा, यहाँ तो नहीं हो रहा, दो से विभाजिता तो नहीं हो रही ना। तो इसी प्रकार मेरा कहना का यह मतलब, जो पूर्ण संख्या से पूर्ण से विभाजित हो जाती है और सम संख्या का नियम का पालन करता हो तो वह दो की भाजकता का नियम कहलाता है। इसी प्रकार आपको किसी में आपको अगला नियम बताता हूँ कि चार की भाजकता का नियम आ जाए तो आपको कोई संख्या दे दी जाती है और उस संख्या की आपको पूछ लिया जाता है कि चार की भाजकता का नियम क्या होगा। तो चार की भाजकता का नियम में पूछे चार की भाजकता का नियम, चार की भाजकता का नियम, यहां आपको बताऊं, किसी संख्या के अंतिम दो अक्षर, भाई किसी संख्या के अंतिम दो अक्षर, यह नंबर, यह संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम दो अक्षर, अंतिम दो अक्षर,
मैं चार का पूरा पूरा भाग जाता हूँ, अंतिम दो अक्षरों में चार का पूरा पूरा भाग जाता हूँ, तो वह चार की बाजकता का नियम कहलाएगा। चार का बाजकता का नियम कहलाएगा। अब वह भी कैसे भाई, वह भी कैसे, वह भी कैसे, आपकी संख्या बताइए कि वह संख्या जिसके अंतिम दो अक्षरों में, अंतिम दो अक्षरों में या दो अंकों में, या अक्षर बोल दो या अंक बोल दो, ठीक है, अंतिम दो अंकों में चार का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह चार की भाजकता का नियम कहलाता है। अब कैसे, कोई संख्या है आपके पास 82 53, क्या 82 53 यह चार से भाजकता का नियम कहलाता है? देख लो, लास्ट के दो अंकों में भाग दे दो, चार दिया 1 5, 1 13 नहीं गया, पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं गया। लास्ट के दो अंकों में चार की भाजकता का मतलब ये कह रहा है कि लास्ट के दो अंकों में आप चार का भाग दीजिए। क्या वह परंपरा यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है? नहीं है, वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है नहीं हो रही है, इसलिए यह चार की विभाजकता का नियम नहीं कहलाया। अब इसी प्रकार यदि कोई संख्या आपको पास दे दी जाती है कि 82 5 82 64, यह आपके पास कोई संख्या है 82 64, क्या यह चार की से भाजकता का नियम का फॉलो कर रही? तो आपको सर्वप्रथम पूरी संख्या पर न जाकर लास्ट के दो अंकों का प्रयोग करना है, उस लास्ट के दो अंकों में आपको चार का डिवाइड करना है। चार का डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4 2 और 4 16, तो यहाँ आपके पास पूर्ण रूप से ये संख्या विभाजित हो रही है। तो यहाँ जो संख्या आपसे चार से विभाजित है, चार का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या चार की भाजकता का नियम को फॉलो कर रहा है। अब इसी प्रकार आपको कोई 8 की भाजकता का नियम हो जाए तो आप किस प्रकार से निकलोगे? 2 में कितना था, लास्ट के इकाई अंकों का 2 का प्रयोग किया जाता था, जबकि यहाँ 8 का पूछ रहा है भाई, यहाँ आपके पास 8 का पूछ रहा है कि 8 की भाजकता का नियम क्या होगा, 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, यहां जो भी आपके पास, यदि आपके पास कोई संख्या है, यदि कोई आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या के लास्ट के यानी उस संख्या के किसी लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूर्ण रूप से यानी पूरा पूरा भाग विभाजित हो जाए, तो विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 की भाजकता का नियम के फॉलो करेगी, वह 8 की भाजकता फॉलो का नियम करेगी। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला यदि आपके पास कोई संख्या दे दी जाती है, यदि वह संख्या लास्ट के 3 अंकों में 8 का से विभाजित करते हैं, 8 से वह संख्या विभाजित करते हैं, तो यदि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है या भाज्य का नियम फॉलो करता है, तो वह संख्या 8 की भाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ एट का फॉलो करेगी, अनुसरण करेगी। अब वह संख्या किस प्रकार से करेगी, मैंने बताऊं वह संख्या बताऊं 13 64 888, 13 64 88, क्या यह 8 का विभाजित करती है? आप उस संख्या के लास्ट के 3 अंकों का प्रयोग कीजिए, 8 6 48 और 1 8 बार गया, क्या यह पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 4 के लास्ट के 3 अंकों का 8 से 8 से डिवाइड किया तो पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो यह 8 की भाजकता का नियम का फॉलो कर रही है। क्या आपके पास यह कोई संख्या आ जाती है, आपके पास 43 24 43 24 43 24 658, 43 24 658, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, इन 3 अंकों का अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या यह 8 से विभाजित हो जाएगी? देखते हैं कि 8 64 और 1 8 18, 2 शेष 2 रिमाइंडर बचे, 2 रिमाइंडर बचे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, तो क्या यह 8 का डिजिबिलिटी ऑफ रूल्स पालन कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। यदि यह पालन नहीं कर रही है तो क्या इसी संख्या की यह कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप उसको डिवाइड कराओगे और डिजिबिलिटी के रूल नहीं है,
जो भी आपके लास्ट के 3 अंकों है उन्हीं का अगर 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह 8 की द्विगुणित का नियम कहलाता है। अब आपके पास आती है कि सोलहवा सोडा की भाजकता का नियम किस प्रकार से डिलीवर करता है। सोडा की भाजकता का नियम मैं बताऊं, किसी भी संख्या के, मतलब वही आपको पकड़ना है, किसी भी संख्या के लास्ट के 4 अंकों में 16 का डिवाइड करने पर, 16 का डिवाइड करने पर वह संख्या, 16 का डिवाइड करने पर वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह 16 की भाजकता का नियम का फॉलो करेगा। ठीक है, अब लास्ट के 4 अंक, अब कौन सी संख्या है, वह संख्या किस प्रकार से आपके पास आ जाती है, तो मैं आपको बताऊं, तो वह संख्या आएगी आपके पास चौसठ बत्तीस चौसठ चौसठ बत्तीस चौसठ चौसठ बत्तीस चौसठ। लास्ट के 4 अंक उठाओ, डिजिट उठाओ, इनमें 16 का डिवाइड करो, 16 2 0 64 4 पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है ना, तो यह 16 की विभाजिता का नियम करता है। इसी प्रकार आपके पास कोई संख्या है, कोई आपके पास संख्या है 93 16 93 16 चार बत्तीस 156 चार बत्तीस 156। लास्ट के 4 अंकों में भाग दीजिए, लास्ट के 4 अंकों में भाग दीजिए आप, लास्ट के 4 अंक है 2156, 2156 में आप 16 का भाग दीजिए, 2156 में आप 16 का भाग दोगे तो आपको पता है कि 1 16 5 और 5 16 पंजे 16 36 48 3 48 48 में आपको 3 और 36 16 16 16 32 4 शेष पर बचते, तो 4 से यानी 16 से विभाजित पूर्ण रूप से नहीं है, तो यह संख्या 16 की भाजकता का नियम का फॉलो नहीं कर रही है। अब इनके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक डायरेक्ट, मैं आपको बताऊं कि हम इतने छोटे भी नहीं है, हम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले, तो आपको यह संख्या देकर यह नहीं पूछा जाता है कि क्या यह संख्या 16 से विभाजित है, क्या यह 16 यह 8 से हाँ, यदि आपको कोई संख्या दे दी जाती है तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि यह संख्या 16 से या 4 से या 2 का से विभाजित है या नहीं, आपको वह संख्या पूछ ली जाती है कि कोई आपको संख्या दे दी जाती है उस संख्या के स्थान पर, मतलब उस संख्या के स्थान पर ऐसी संख्या दे दी जाती है या उस पर स्टार या कोई सी भी सिंबल दे दिए जाते हैं, उस सिंबल की जगह यह पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी संख्या पूर्ण करती है कि वह 16 से विभाजित है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ आपके पास है 10 12
दस बारह जीरो, 10 12 0, इकतीस जीरो चार, यह कोई संख्या दे दी आपको। इस संख्या में आपको यह पूछ लिया जाता है कि 16 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग देने पर, यानी 16 का भाग देने पर आपको, 16 का भाग देने पर आपको शेषफल बताना है। तो आप इतनी संख्या पर भाग नहीं दोगे, आप लास्ट चार अंक बताएंगे, लास्ट चार अंक बताने पर और उस पर 16 का भाग दोगे तो 15। तो आपके पास ऐसी संख्या आएगी जहाँ 15 और 0, 150, 154, 64, तो यहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल आपके पास 0 बच जाएगा, शेषफल आपके पास 0 बच जाएगा। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि यदि कोई संख्या है 1 से लेकर 31 से इतनी संख्या लेकर है लास्ट के, कितने भी प्रकार की संख्या पूछो, आपको लास्ट के चार अंकों में 16 का डिवाइड करना है और उन चार अंकों में डिवाइड करने के बाद ही आपको वह संख्या पूर्ण रूप से पता चल जाएगी कि वह संख्या आपसे 16 से विभाजित है या नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 98 98, क्या यह संख्या 16 से विभाजित है? भाग देने पर कितने शेषफल होंगे? भाग देने पर कितने शेषफल, आपको शेषफल पूछ रहा है, आपको शेषफल पूछ रहा है, तो 16 के लास्ट के चार अंकों में भाग दीजिए 97 98, आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 16, यानी 16 का डिवाइड करोगे आप, 16 6 96, 1 9 3 8, यानी 32, यानी यहाँ 6 शेषफल बच रहे हैं, 6 शेषफल बच रहे हैं। क्या यह संख्या 16 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल चलत रहे, पूर्ण रूप से संख्या को विभाजित हो जाना चाहिए थे। यदि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वह 16 की भाज्यता का नियम का पालन करेगी, नहीं अन्यथा वह संख्या नहीं करेगी। आज की क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूँ, क्योंकि अगले कल कल वाली क्लास में आपको भाज्यता का पूर्ण रूप से पढ़ा दिया जाएगा। आज मेरी तबीयत थोड़े इश्यू खराब होने की वजह से मैं इतनी ही क्लास ले पाऊंगा, लेकिन मैंने वादा करा हूँ कि जो भी यह क्लास होगी वो पूर्ण रूप से अच्छी दृढ़ पूर्ण से होगी। और आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए और अच्छी तरह से क्लास लीजिए, आप रूल रेगुलेशन अच्छी तरह से समझिए, और वह उस चीज़ को किस प्रकार से प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, उस आंसर को किस प्रकार से हमारे को हैंडल करना है, सभी कॉन्टेक्ट को तैयार में ध्यान में रखते हुए आप हर चीज़ की कंपटीशन के चित्र में उतरे तो आपके टाइम की वैधता का सबसे पहले महत्वपूर्ण रखा जाएगा। और यदि चैनल पर आप फर्स्ट बार हो तो लाइक, पीछे वाले जो भी क्लासें हुई उनको एक बार देखिए और आप अनुसरण कीजिए, ठीक है। और आप चैनल पर यदि फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं कहना चाहता कि हर चीज़ को मैं खूँ। जो चीज़ आपके पास आपको अच्छी मिलेगी तो आप उस चीज़ के अंतर्गत जाओगे। और जहाँ मैंने बता रहा हूँ, यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं जो चीज़ उठा रहा हूँ वो बेसिक से उठा रहा हूँ। वह चीज़ अगर बेसिक से उठाई जाती है तो उस जो बेसिक क्लियर करने पड़ते हैं तो उस बेसिक के अंतर्गत टाइम बहुत लगता है। वो टाइम लगने के वजह से ऐसे तो होता है टाइम लग रहा है, लेकिन जो भी चीज़ सीखी जा रही है वह संख्या एकदम क्लियर तो होती जा रही है, कहीं दूसरी और कहीं भी चारों तरफ से भटकना तो नहीं पड़ रहा है। जो भी आपको दृष्टिकोण या जो भी आपको कंटेंट मिलाया जा रहा है या उपलब्ध अवेलेबल कराया जा रहा है वह एकदम सटीक जानकारी के रूप में ही करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। और आपके समय का और मेरे समय का महत्व तो रख कर ही आपको हर चीज को कंटेंट में उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।